वालेकुम सलाम, कैसे जी आप? ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू दी अदर शो। आपको देखते रहते हैं रेगुलर शो से। माशाल्लाह आपका जो शौक है वो बहुत ही जबरदस्त शौक है डांस का। तो आप पहले अपना नाम बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मेरा नाम राहत आसिफ है। ठीक है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। सही। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास ये ब्रीड कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये शिह त्ज़ू है। ठीक है। और ये इम्पोर्टेड है। अच्छा दोनों इम्पोर्टेड। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल चैंपियन है। ओ जबरदस्त। इंटरनेशनल चैंपियन कौन से? ये ब्लैक वाला। जी, ब्लैक, ये ब्लैक वाले हैं। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल चैंपियन है। ये इनके सारे जितने भी कंट्रीज में ही खेल कर आए हैं। अच्छा, ये ट्रॉफीज आज की है या पहले की इनकी? ये ट्रॉफीज आज की है। ये अभी बेस्ट ऑफ द शो के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है। दोनों तो ये ट्रॉफीज आज की है। और ये जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में, जिस जिस कंट्रीज में खेल कर आए हैं ऑलरेडी। अच्छा जबरदस्त। ये मतलब इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं। ये इंटरनेशनली खेल चुके हैं। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज के जो शो में जो है हमारे पास ऐसे डॉग्स भी हैं जो कि इंटरनेशनली खेल भी चुके हैं। जी बिल्कुल। आई एम द ओनली वन हु हैज इंटरनेशनल चैंपियन। अभी तक पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरनेशनल चैंपियन शिह त्ज़ू इम्पोर्ट नहीं हुआ था। अच्छा जी। तो शिह त्ज़ू में इंटरनेशनल चैंपियन शिह त्ज़ू पहली दफा इम्पोर्ट हुआ है। और ये आपने इम्पोर्ट करा है? जी मैंने। तो मतलब ये आपका शो का लेवल है कि आपने इंटरनेशनल चैंपियन को जो है अपने घर का जो है वो। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली एक शौक ही होता है कि बस डॉग तो होते ही है, लेकिन जो लोग ब्लड लाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो उनका ये शौक होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितने अरसे से आपके पीछे? 1.5 साल से है। अच्छा, तो ये कितने शो खेल चुके हैं यहाँ पे और इंटरनेशनली अब तक अगर हम पूछें? ये इंटरनेशनल तो काफी खेल चुके हैं और अभी पाकिस्तान में खेल रहे हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। जी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। इनको अभी एक कासिफ तो मिल गया है अभी, और ये क्वालिफाई हुए, अब देखें और कासिफ मिलते हैं तो फिर ये पाकिस्तान चैंपियन भी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब ये अगर इंटरनेशनली खेल चुके हैं और वहाँ के भी चैंपियन रह चुके हैं तो आज के भी शो के लगता है यही चैंपियन होने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो आपके पास जो दूसरी डॉग है इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी इनका नाम विनीता रोसा है। ठीक है। और ये इनकी डॉटर है। अच्छा ये इनकी डॉटर है। ये इनकी डॉटर है। ठीक है। अच्छा ये बताइए ये शिह त्ज़ू ही क्यों, मतलब और कोई ब्रीड क्यों नहीं, क्या वजह है शिह त्ज़ू के साथ क्या अटैचमेंट? शिह त्ज़ू एक्चुअली दे आर कंपेनियन डॉग। ये बिल्कुल आपके फैमिली डॉग होते हैं, इंडोर रहने वाले डॉग हैं। इनके लिए आपको स्पेशली कैनल्स नहीं करने पड़ते, स्पेशली आपको इनके लिए केजेस या स्पेशली कुछ ऐसा नहीं। ये आपके रूम में, कमरे में, लाइक आपके घर में किसी भी स्पेस पे रह सकते हैं। घर में मतलब किसी भी स्पेस पे रह सकते हैं। बच्चे बहुत स्पेस नहीं चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता। फ्रेंडली डॉग होता है, फ्रेंडली डॉग होता है। बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा हमने कहीं देखा है कि कुछ शिह त्ज़ू जो है ना वो एग्रेसिव भी होते हैं, तो क्या वजह है कि उनकी एग्रेसिवनेस की? आप क्या अपनी नजर में क्या ऐसी चीजें जो लोग मिस करते हैं जिसकी वजह से उनमें एग्रेशन आ जाती है शिह त्ज़ू की? शिह त्ज़ू तो वैसे एग्रेसिव नहीं होता, अगर उसके साथ कोई अब्यूज हुआ हो या उसको मेंटली टॉर्चर हुआ हुआ हो तो वो एग्रेसिव हो सकता है। अदरवाइज शिह त्ज़ू एक ऐसी ब्रीड है जो कभी एग्रेसिव नहीं हो सकता। अच्छा शिह त्ज़ू आप कह रहे हैं कि कभी एग्रेसिव नहीं हो सकता? नो नो। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा जो है आप इसकी कुछ हिस्ट्री अगर आप बताना चाहें जिसमें ये कहाँ से जो है इनका ओरिजिन कहाँ है? ये बेसिकली मेरे पास यूरोपियन लाइन्स हैं और यूरोपियन लाइन्स भी पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। लोगों के पास थाईलैंड से हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं, बट यूरोपियन लाइन्स किसी के पास नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ यूरोपियन लाइन, मतलब आपके पास ही सिर्फ ये यूरोपियन लाइन है। अच्छा इनके साथ इनका पेयर क्या है, मतलब इनकी जो फीमेल है वो भी इम्पोर्टेड है बट उनका लिटर आया हुआ है। अच्छा वो लिटर आया हुआ है इसलिए वो नहीं आ सकती। अच्छा अगर क्या आप ये इनको जो है सेल भी करते हैं या फिर? या आई सेल दैम। अच्छा ठीक है। तो आपका कोई पेज हो जिस पे हम रابطہ कर सके? मेरा राहत आसिफ के नाम से फेसबुक पेज भी है, प्रीशियस कॉस के नाम से भी है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि इनको आप खाने में क्या देते हैं? इनकी इनको जो है इतना प्यारा सा मतलब खूबसूरत सा रखा हुआ आपने, इनके बाल जैसे हमारे भी इससे बाल नहीं बने हुए जैसे इनके बाल बने हुए, तो क्या देते हैं इन्हें खाने में और कैसे रखते हैं इनको? इनका स्पेशली डॉग फूड होता है। ठीक है। और उसके साथ आप चिकन ऐड कर सकते हैं और दूसरी कुछ लाइक आप कीमा ऐड कर सकते हैं और प्रोटीन होने चाहिए, बाकी मल्टीविटामिंस होती हैं।
बायोटिन्स हैं बालों के लिए, शैम्पूज हैं, कंडीशनर हैं, ग्रूमिंग की सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आपने पूरा पैकेज बता दिया कि मतलब प्रोटीन वाइटामिन और इतना शायद हम उतना भी नहीं करते होंगे जितना आप मतलब बता रही हैं। नहीं देखिए अब मेंटेन करने के लिए तो ये सब करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने शो रखा है तो एग्जैक्टली आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जिस तरह से आप कार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी के लिए भी आपको उसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसको पॉलिश करवाना पड़ता है, उसको क्लीनिंग के लिए उसको भेजना पड़ता है, तो इसी तरह इनका भी है। ठीक है, अच्छा जी ये बताइएगा कि ये सोशलाइज हैं दूसरे डॉग्स के साथ? जी, जी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत सोशलाइज हैं, बहुत सोशलाइज हैं, और साथ में दूसरे लोगों के साथ जो घर में आपके गेस्ट वगैरह आते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। बल्कि अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए तो ये चाहते हैं कि पहले हमसे मिले। अच्छा, गेस्ट इनसे पहले मिले, वेलकम से पहले मिले, बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्मली वेलकमिंग, बहुत वेलकमिंग नेचर है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को शिशु के हवाले से, जो लोगों को या मिसकंसेप्शन हो या कुछ चीजें पता ना हो? सबसे पहले तो देखें, अगर जो शिशु लेना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि शिशु की स्टैंडर्ड ब्रीड क्या है, स्टैंडर्ड ब्रीड क्या है, ठीक है, शिशु किस तरह के होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर शो क्लास शिड्डू आ जाते हैं जिसमें बाइट्स देखे जाते हैं, जिसमें उसका स्टांस, उसकी टेल, उसके हेयर्स। अब कुछ लोग मिक्स ब्रीड ले लेते हैं और मिक्स ब्रीड कर लेते हैं, वो उसको शिड्डू कह लेते हैं, लेकिन शिड्डू एक स्पेसिफिक ब्रीड है जिसके जो जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक उसकी नोज देखी जाती है, उसका स्टांस है, उसकी टेल है, उसकी हर चीज़ है, लाइक दूसरे डॉग्स की तरह इनकी भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, नोज से लेकर टेल तक आप बता रहे हैं, इनकी बाइट वगैरह। तो अगर किसी की बाइट थोड़ी सी आगे पीछे हो, अंडर शॉट हो या ओवर जॉ हो, तो उस केस में क्या किया जाता है? अगर वो बच्चा हो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें वो बाइट्स के तो इश्यूज आते हैं, तो वो फिर आपको पता है जज जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं जाते, फॉल्ट में आ जाता है। अच्छा, वो फॉल्ट में आ जाते हैं, अगर बाइट्स आउट है तो वो फॉल्ट में आ जाता है। बट शिट्सु के थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो बिल्कुल ही जॉ से बाहर जा रहे हों। अच्छा। या कुछ इस तरह से, क्योंकि इनके जो जॉ होता है वो थोड़ा सा अंडर शॉट होता है। सही। अच्छा ये बताइए कि ये आपने इनको ट्रेन किया है शो के लिए, या फिर आपने की कोई ट्रेनर को बुलाया, या खुद करते हैं इनको सारा सब कुछ? देखिये ये तो ऑलरेडी इंटरनेशनल चैंपियन है, तो ये ऑलरेडी शो के लिए